जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और जो हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर कोरोना वापसी की आहट से जुड़ी हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की रफ्तार तेज है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं, फिर भी एहतियात जरूरी है, खासतौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के दौरान सावधानी बहुत जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना भी बहुत जरूरी है। नए साल के साथ नई टेंशन ने भी दस्तक दी है क्योंकि कोरोना ने फिर वापसी की है। पिछले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन का असर था, इस बार ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है। कुछ दिन पहले ही केरल में पहला केस मिला था। अभी पूरे देश में मरीजों का आंकड़ा 2600 के पार है। केरल में केसेस हैं, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, खासकर गोवा में भी थोड़ा कंसर्न है। तो एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक जरूर सामने आई है और ये भी देखने में आया है कि इस बार जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA.2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने, सब टाइप है JN.1, उसकी वजह से ये अब सर्ज हुई है। कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर सरकार सतर्क है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सभी अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा और सांस से जुड़े मामलों की निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। केरल से लेकर जम्मू तक अस्पतालों में इंतजाम किए जा रहे हैं, मरीजों पर नजर रखी जा रही है। हमारे पास इस वक्त जो है स्टाफ के पास पास्ट एक्सपीरियंस है, मशीनरी इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हमारे पास सब कुछ है। JN.1 वेरिएंट की रफ्तार तेज है, हालांकि दुनिया से तुलना की जाए तो भारत में इसके मामले बेहद कम हैं। बेशक दो हफ्ते में एक्टिव केस बढ़े हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि 93% केस होम आइसोलेशन के हैं, यानी इसका गंभीर असर नहीं। फिर भी संक्रमण को लेकर सजग रहना जरूरी है, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको JN.1 वेरिएंट के आंकड़े बताते हैं। गुरुवार तक देश भर में इस वेरिएंट के 2669 एक्टिव केस मिले हैं। गुरुवार को 358 मामले सामने आए। गुरुवार को देश भर में कुल 6 मौतें हुई, जबकि पिछले दो हफ्तों में 30 लोगों की मौत की खबर है। कोई घबराने वाली बात नहीं है पहले तो, क्योंकि इस वेरिएंट की जितनी भी अभी तक समझ है फैलने की क्षमता रख रहा है, लेकिन माइल्ड डिजीज करता है, खांसी जुकाम ही करता है। सीरियस डिजीज का इसका स्वरूप अभी तक जितना हम जानते हैं बिल्कुल नहीं है, और जो भी डेथ्स हुई हैं पिछले दो हफ्तों में टोटल 16 डेथ हुई हैं, टोटल वो लगभग उन्हीं व्यक्तियों में हुई हैं एज पर अवर रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन, जिनमें की सीरियस कोमोर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है। ऐसे ही लोगों में जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू हो या कोविड हो, ज्यादा असर करता है, वैसा ही दिखाई दे रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसका पहला केस इसी साल अगस्त में लग्जमबर्ग में पाया गया। इसके बाद ये धीरे धीरे 36 से 40 देशों में फैल गया। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है, यानी इस पर नजर रखने की जरूरत है। WHO के मुताबिक इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इस मामले में भी हमेशा की तरह सावधानी जरूरी है, यानी हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। मौजूदा साल के आखिरी दिनों में जो लोग घूमने फिरने निकले हैं उनको सफर के दौरान सावधानी बरतनी होगी। टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ भाड़ से भी दूरी जरूरी है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान भी कोविड के नियमों का अगर गंभीरता से पालन किया जाए तो नए वेरिएंट को दूर रखा जा सकता है। बेशक कोरोना का नया वेरिएंट गंभीर तौर पर असर नहीं करेगा, लेकिन बीमार तो कर ही सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि कोविड 19 अभी गया नहीं है, ये वायरस घूम रहा है,
अपना स्वरूप बदलता है, और कुछ प्रदेशों में जैसे टेस्टिंग हुई है वहां पे उस वजह से और वहां से शुरुआत हुई है कह लीजिए, तो देश को सजग रहना पड़ेगा। क्लियरली कोई पैनिक की बिल्कुल वजह नहीं है, कोई भयभीत होने की वजह नहीं है। हम सब में वैक्सीन लग चुका है, हम अंदर से सशक्त हैं, और इस वेरिएंट के आने के ऊपर ऐसी कोई अनहोनी हो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। कोरोना के नए वेरिएंट के सबसे ज्यादा केस अभी केरल में हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी अच्छे खासे केस हैं। हालात देखते हुए दिल्ली में भी सरकार सतर्क है, क्योंकि दिल्ली के करीब गाजियाबाद में नए वेरिएंट का पहला मामला सामने आ चुका है। जरूरी है कि हम भी व्यक्तिगत तौर पर सतर्क रहें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है, बता रही हैं चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह। अब तक जो हमारे को इन्फॉर्मेशन है, ये एक ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट है और एक माइल्ड वेरिएंट है, जिसमें खांसी, जुकाम, थोड़ा गला इरिटेशन, इसके सिम्टम्स हैं, और जनरली कॉमन मैन के लिए तो ये होम आइसोलेशन से सब ठीक है। पर हमारी स्पेशल प्रिकॉशन है एल्डरलीज के लिए और कोमोबिडिटीज। जो डेथ्स अब तक वहां से रिपोर्ट हुई हैं, दे आर इन दोज केसेस जहां कोमोबिडिटीज हैं और एल्डरलीज हैं। तो हमने ये एडवाइजरी स्पेशली इसलिए, जनरल पब्लिक के अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन है और जो पॉपुलेशन कोमोबिडिटी के साथ है, उनके लिए है कि जब वो भीड़ भाड़ में जाएं या क्राउडेड स्पेसेस में जाएं तो प्लीज मास्क पहने, क्राउडेड स्पेसेस में जाना अवॉइड करें, हाथ धोएं, अगर उनको सिम्टम्स आते हैं तो हॉस्पिटल आएं और अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। जब किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या कैंसर है, इनमें क्या होता है कि बॉडी इम्यूनिटी लो होती है, और जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए डिजीज का इफेक्ट नहीं आना है, इसमें वो डिजीज उसको बॉडी को अटैक करती है ज्यादा से। तो इम्यूनिटी लो, जितने भी केसेस जहां इम्यूनिटी लो हो जाती है बॉडी की, तो उसमें हम स्पेशल प्रिकॉशन के लिए ये अवेयरनेस कर रहे हैं। अभी तक इस वेरिएंट के कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिसमें कि इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, पर हमेशा ही सावधानी बरतनी अच्छी होंगी। सो हम ये चाहते हैं कि डिजीज की बजाय हम प्रिकॉशन लेके इसको प्रिवेंट करें।